भाई साहब ये क्या कर दिया सोलो सिकोवा ने भाई, अपने ही भाई जिमी उसो के ऊपर अटैक कर दिया, वो भी सोलो स्पाइन। जैसे कि भाई मैंने आप लोगों को बताया ही था कि भाई जिमी उस ने रोमन रेंज और सोलो सिकोवा के ऊपर किक मारी थी, अब उसका बदला तो लेना ही था। अब यहाँ पे सोलो सिकोवा ने उसका बदला ले लिया है। सोलो ने जिमी उसो को लगा दिया है एक सोलो स्पाइन। बात यह होती है कि भाई मेन इवेंट में रोमन रेंज का सेलिब्रेशन स्टेगमेंट होता है, यहाँ पर ट्रिपल एच ने एंट्री करी और एक प्रोमो कट करते हुए रोमन रेंज की तारीफ के पुल बांध दिए। उन्होंने फिर ट्रैवल चीफ को बुलाया। ट्रिपल एच ने रोमन रेंज को 1000 दिन तक चैंपियन रहने पर बधाई दी और बताया कि भाई अब तक के इस करियर में WWE के लगभग 40 सालों से कोई ऐसा काम नहीं कर पाया जो कि ट्राइबल चीफ आपने किया है। और इसी बीच भाई ट्रिपल एच ने रोमन रेंज के लिए एक नई अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन को इंट्रोड्यूस किया। ट्रिपल एच ने फैंस को सरप्राइज दिया और रोमन रेंज ने इसके साथ सेलिब्रेट किया और फिर पूरे यूनिवर्स को उन्होंने एक्नोलेज करने के लिए कहा। लेकिन भाई इसी बीच द उसो ने एंट्री करी। रोमन रेंज ने जे उसो से जिमी उसो के ऊपर केक लगाने के लिए कहा और रेंज ने बताया कि जिमी ने उनके ऊपर अटैक किया और वो टैग टीम टाइटल्स नहीं जीत पाए, इस वजह से जे को अपने भाई पर अटैक करना पड़ेगा, किक लगानी पड़ेगी। और जिमी ने बताया कि जे नहीं बल्कि रोमन को चीजें सही करने की जरूरत है। जिमी ने कहा कि भाई एक दूसरे का सम्मान करते हैं लेकिन रोमन रेंज पिछले कुछ समय से उनसे खराब व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, सही से बात नहीं कर रहे हैं। जिमी उसने सोलो सिकोवा से कहा कि रोमन उनका जो है यूज कर रहा है और जब समय आएगा तो वो सोलो को धोखा दे देगा। रोमन रेंज ने बताया कि द उसो को जो चीयर मिल रहा है ना वो ट्राइबल चीफ की वजह से मिल रहा है, वो मेरी वजह से मिल रहा है। रोमन रेंज ने सोलो को माइक दिया और पूछा कि वो किसके लिए लॉयल है। सोलो ने रोमन रेंज को पहले एक्नॉलेज किया लेकिन बताया बाद में कि द उसो उनके भाई है तो वो उनकी साइड लेंगे। सोलो सिकोवा उसो की साइड हो गए और जिमी उसो ने कहा कि रोमन रेंज आगे जाकर चीजों को सम्मान देकर चलना चाहेंगे या खराब बर्ताव करेंगे। रोमन कुछ बोलने वाले थे और इसी बीच जिमी ने ट्राइबल चीफ को धक्का दे दिया मुंह पकड़ के। वो भी जे उसो ने दोनों के जो है शांत करने की कोशिश करी क्योंकि एकदम रोमन रेंज आगे बढ़े थे, शायद कुछ अटैक वटैक भी कर देते एकदम चाती चोड़ी करके। तो इसी बीच भाई दोनों को समझाया जे ने और जिमी ने कहा कि उन्हें साथ काम करना चाहिए और जिमी उसो ने बताया कि जिस तरह से और सोलो सिकोवा उनके भाई है उसी तरीके से रोमन रेंज भी उनके भाई है, वो एक परिवार का हिस्सा है, वो एक परिवार है और उन्हें पहले की तरह साथ काम करना चाहिए। ब्लड लाइन से अच्छी कोई भी टीम नहीं है। रोमन ने जिमी को गले लगा लिया और वो भावुक हो गए। हालांकि उन्होंने साथ काम करने से इनकार किया और फिर जो है सोलो ने अपना जो अचानक से जिमी उसो पर सोलो स्पाइन लगा दिया। भाई अब रोमन रेंज सोलो और हेमन चले गए, स्टेटमेंट खत्म होता है। हेमन ने जाते जाते जे के बारे में रोमन से पूछा और रोमन ने बताया कि वो हमेशा की तरह साथ आएंगे। रोमन रेंज ने आखिरी जिमी से अपनी बेइज्जती का बदला ले ही लिया क्योंकि भाई जैसा कि आपने देखा सोलो ने सोलो स्पाइन लगा वो भी जिमी उसो के ऊपर और जे उसो देखता रहा। तो भाई सोलो एक एनफोर्सर है इस परिवार का जो कि अपने ट्रैवल चीफ की रक्षा कर रहा है, वो शायद ट्रैवल चीफ की भी रक्षा कर रहा है और अपने फैमिली की भी। अब अटैक क्यों करा भाई ये रोमन का कुछ प्लान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं आने वाले स्टोरी लाइन में हमें सब कुछ पता लगेगा। और इस तरीके से जो है स्मैकडाउन का अंत हुआ। तो भाई काफी कमाल की स्टोरी लाइन चली है और शायद आपको भी मजा आ रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप लोग नए हो तो